वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर सुधीर जोशी और सचिव पद पर नरेश कुमार ने बाजी मार ली। वही समर्थकों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया और रविवार को नेहरू युवा केंद्र में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सुधीर जोशी को 238 और रमेश कुमार को 117 मत मिले। सचिव पद पर नरेश कुमार को 210 और जयवीर आर को 144 वोट मिले। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी उमेश चौधरी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर पहले ही सुरेंद्र कौशिक और कोषाध्यक्ष पद पर सोनू शर्मा निर्विरोध चुने गए थे, जिससे केवल अध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव कराया गया। उन्होंने बताया कि कुल 366 में से 359 सदस्यों की ओर से वोट डाले गए। वही अध्यक्ष और सचिव पद के लिए 4-4 वोट निरस्त कर दिए गए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये हमारे एक हमारा संगठन है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, काफी पुराना संगठन है। 10 आदमियों से ये संगठन शुरू हुआ था। आज हम 367 मत आज यहाँ पे मतदाता है हमारे। और सबसे पहले तो मैं हमारी जो चुनाव कमेटी है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव को सम्पन्न कराया। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारे हर 2 साल में चुनाव होता है। बाकी हम लोग सब अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आगे भी कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। कैंडिडेट हमारे अभी पराजित हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, सबको मिल के साथ लेके चलेंगे। और अगले 2 साल तक हम अपने संगठन के लिए तन मन धन से एक दिन रात मेहनत करके इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारा चुनाव था, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे सर्वसम्मति से चुने जा चुके थे। 2 अध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव, जिसमें सचिव के लिए नरेश जांगड़ा जी और जयवीर आर्या जी कैंडिडेट थे, उसमें जांगड़ा जी विजयी हुए हैं, जयवीर आर्या जी प्रेजेंट। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए हमारे रमेश कुमार जी और जोशी जी थे, रमेश कुमार जी को कम मत मिले हैं, जोशी जी को सबसे ज़्यादा 238 मत मिले और विजयी हुए हैं। 366 जितने भी मेरे ट्रांसपोर्ट भाई थे सभी ने सहयोग किया उसमें, और सभी के आशीर्वाद से मैं चिन्हित हुआ हूँ। प्लस में क्या है, हमारा जो यहाँ का शासन प्रशासन है वो पूरा सहयोग करता है और हम सभी को धन्यवाद देते हैं। सुकुशल है, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था के अनुसार ये कार्य संपन्न हुआ, मैं सबका धन्यवाद।